सी ये वीडियो उनके लिए है भाई जो काला जादू वगैरह पे विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। अभी मेरी हालत क्या हो रखी है, मतलब दरबिस्तर हो गया तुम्हारा भाई, खत्म होने पे बारी है। शैतान के साथ सीधा फाइट है भाई, कोई मजाक नहीं है। लास्ट दो दिन में मेरी शक्ल चेंज हो गई है, पिछले दो दिन से मैं सोया नहीं हूँ भाई, कसम से बता रहा हूँ। So hello guys and welcome back to my YouTube channel. This is your Amir Sheikh. And कैसे हो आप सब? Hope आप सब बढ़िया हो गए। और मेरे पीछे है क्यूट गर्ल जैशु। तो गाइज आज मैं दो दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, एंड इन दो दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। Yesterday. तो गाइज ये वीडियो उनके लिए है भाई जो काला जादू वगैरह पे विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते भाई। ये देखो अभी मेरी हालत क्या हो रखी है, पिछले दो दिन से नींद उड़ गई है। तुम्हारे सलमान खान की बैंड बज चुकी है जो कि ये बिस्तारों में पड़ रहा था। जिसको इस बारे में पता नहीं है तो सीन कुछ इस तरह से है कि भाई तीन चार दिन पहले हम एक राइड पे चले गए थे एंड हमें वहां पे कुछ खतरनाक चीज मिली थी, मतलब काला जादू टाइप की चीज, मैं तो उसको काला जादू ही बोलता हूँ। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसको निकाला क्योंकि हमारे कीड़ा है भाई, सुलेमानी कीड़ा नाचता है तो हमने उसको निकाला। पहले भी मैंने एक बारी किया हुआ था, मतलब वो एक डेढ़ महीने पहले, तो भाई तब तो उतना हुआ नहीं था। जो परसों मैंने मतलब हमने उसको निकाला तो उसके बाद भाई लीली लग गई, मतलब दरबिस्तर हो गया तुम्हारा भाई, खत्म होने पे बारी है। एंड कल मैं फिर एक पीर के पास भी गया था, मतलब मैं तो जाना नहीं चाहता था, उस पीर ने मुझे ये सब लगाने के लिए दिया है, पूरे जिस्म में वो मिट्टी टाइप लगाने के लिए दी है और धूणी वगैरह दी है भाई, वो जो मतलब धुआं लेना बोलते हैं उसको, और इन चीजों से दूर रहने को बोला है भाई। ये होता है, मुझे भी यकीन नहीं होता था पहले, पर जब मैंने ये चीजें देखना स्टार्ट करी, इसके बारे में पता करना स्टार्ट करा, तो भाई मुझे ये पता लगा कि ये सब चीजें सही में होती है, तुम्हारी टांगे ऊपर करने के लिए लोग ये सब करते हैं। मुझे पीर ने वो भी बोला कि ये वाला जो था ये बहुत खतरनाक था, जो मैंने उनको वीडियो दिखाई ना अपनी, तो ये वाला जो था वो बहुत खतरनाक टाइप का था एंड बहुत शैतानी टाइप का था। तो अब तो इसका सीन ऐसा होता है कि जिसके लिए किया होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अब किसी ने किसी के लिए किया था तो मैंने निकाला, बीच में मैं पड़ गया क्योंकि मेरे में कीड़ा है भाई। बीच में मैं अपनी इंसानियत दिखाने चला गया, मैंने वो निकाला तो पीर ने कहा कि वो अब शिफ्ट तेरे पे हो रहा है भाई, मतलब होता है ऐसे, अगर किसी के लिए किया हो तुम बीच में उसको खोलो। मेरे दोस्तों ने भी बोला था, मेरे घर वालों ने भी ऐसा बोला था, वो दोस्त ने जो तब मेरे साथ थे जो मुझे पंप दे रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, मोटिवेट नहीं मोटिवेट। लास्ट दो दिन में मेरी शक्ल चेंज हो गई है, पिछले दो दिन से मैं सोया नहीं हूँ भाई, कसम से बता रहा हूँ, पिछले दो दिन से मैं सोया ही नहीं हूँ। अभी मैं पूरे जिस्म में ये मिट्टी लगा रहा हूँ, तो ऐसी ऐसी जगह पर मिट्टी लगा रहा हूँ भाई, मैं बोल नहीं सकता। अब मैं तुम्हें हंसते हुए बोल रहा हूँ, खेलते हुए बोल रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं कुछ फ्रॉड कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को बकचोदी करने की आदत है, वो बकचोदी भारी पड़ेगी भाई। शैतान के साथ सीधा फाइट है भाई, कोई मजाक नहीं है। रोने का भी नहीं हूँ मैं क्योंकि ये मिट्टी चुभती है फिर यार। सीधा शैतान के साथ फाइट कर रहा हूँ, तो इस चीज से बचो भाई, लोग लिली लगा देते हैं, लोग टांगे ऊपर कर देते हैं भाई, अब पता नहीं कितने बंदे मेरे पीछे पड़े हो। साले को पंप से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो, क्या पता तुम्हारे पीछे शैतान लगाया हुआ हो, जहाँ पे भी जहाँ से भी तुम देख रहे हो आसपास देखो, शैतान वैतान तो नहीं दिख रहा तुम्हें। और मेरे लिए एक अलग कमरा रेकमेंड किया गया है, मैं ये सोच रहा हूँ फिर जिसके लिए किया होता, मतलब जिसके लिए करते हैं लोग, उसकी क्या हालत होती होगी। हर एक बंदे ने देखा होगा अपनी लाइफ में कि ऐसे बंदे जिनको ऐसा काला जादू वगैरह किया हो, मैंने भी देखे हैं बहुत, मतलब उनके अंदर एक अलग ही आत्मा टाइप हुआ कर, मतलब वो चेंज ही हो जाती है, पर्सनैलिटी उनकी चेंज हो जाती है, ऐसा मैंने भी देखा हुआ है भाई। हमारी भी एक आंटी थी, उनके ऊपर वैसा ही साया वाया था कुछ, तो एकदम से मारने उठ जाती थी एंड भाग जाती थी घर से। तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई स्टोरी कभी हुई है। अब मैं दूसरी बार जब पीर के पास जाऊँगा तो मैं शायद वीडियो भी बना लूँ, क्योंकि वो वीडियो परसों मेरे को उतना ख्याल नहीं रहा क्योंकि मैं थोड़ा, तुम्हें पता ही है किस कंडीशन में था। अल्लाह ताला पे भरोसा है भाई, बाकी मैं ये सब मानता नहीं हूँ, पर अब जब फट गई सुलेमानी कीड़ा, ये जो है ना ये सुलेमानी कीड़ा बैंड बजा देता है भाई।
पर फिलहाल हम कुछ इस तरह की जगह पे हैं। देख पा रहे होगे तुम लोग, ये वन ऑफ माय फेवरेट जगह है भाई। और क्यूट गर्ल जैशु हो साथ हो तो फिर देखो भाई, रोड पे बैठा हुआ हूँ, क्या करें, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। बाकी यहाँ पे कुछ उड़ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या उड़ रहा है। जैशु साहब, ये क्या उड़ रहा है, वाइट वाइट है, कॉटन कहाँ से आएगा यार इधर। आज तुम्हारा भाई थोड़ा डाउन डाउन फील कर रहा है भाई, तो पूरी जो अंदर से वो एनर्जी है वो खत्म हो रखी है। कहीं सुकून वाली जगह पे लेके चलो यार, चलो जहाँ पे शोर शराबा ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत सारा आ रहा है। कहाँ जाए जैशु साहब, यार करो यार कुछ है, कोई मतलब जहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल भी ना हो। हाँ नहीं यार ऐसा, अबे कहीं देख ले यार। मैं तुम्हें बोल रहा था लास्ट टू डेज में मेरे साथ कुछ उथल पुथल हो रखी है, कुछ गंदे सीन हो रहे हैं। एंड वो सीन क्यों हो रहे हैं, मैं परसों मतलब मेरे साथ कुछ दोस्त थे मेरे, हम थोड़ा निशाद साइड गए थे, वहाँ पे मेरे को वो तावीज़ वगैरह मिला था, वो जो फिश में था, मछली में था, तो हमने वो निकाला था। उसके बाद तुम्हारे भाई की थोड़ी हालत पतली होगी भाई, मतलब क्या होता है बोल तू जरा, उससे क्या होता है। तो अभी जो बोल रहा था, मतलब मैंने जो निकाला, मैंने गलती की क्या? हाँ गलती। तो भाई बहुत लोग उसके साथ होने वाला था, वो आपके साथ होगा उसके। भाई बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि तूने ये, तू ये ठीक नहीं करता है, मतलब तू तावीज निकालता है, पर मैं जान बूझ के थोड़ी देर निकालता हूँ, मेरे को हिट ऑफ द मोमेंट मिल जाता है। तो इस साइड टुलिप गार्डन है भाई, तो हमें आगे जाना है, ठीक है। ये जो थोड़ा रोड है ना, ये भद्रवा वाली फीलिंग देता है मेरे को। बाकी ये वाला बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पे पीछे। तो अभी यहाँ पे शेर व शायरी का कंपटीशन लगने वाला है, हमारे जैशु साहब जो यहाँ पे हैं और हमारा नया दोस्त है शाहिद सोब, ठीक है। तो चलो करो स्टार्ट, चलो भोए बोलो ना इसको जैशु को, जैसे कि जैशु ने यहाँ पे बोला कि शायरी बोलो। हाँ। जैशु को ऐसी शायरी सुनाना कि इसकी तशरीफ फट जाए। हाँ ठीक है, चलो पहले आप जैशु बोलो, जैशु आप बोलो, नहीं आप बोलो ना पहले। अच्छा आप बोलो, इसको नहीं है कला उतनी, बोलो आप। उज्मा था उसका, उज्मा नाम था उसका। अगर जैशु मर भी गए सॉरी भरी जवानी में, अगर जैशु मर भी गया इस सॉरी भरी जवानी में, तो भी उज्मा को फर्क नहीं पड़ेगा अपनी पूरी कहानी में। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये ले ये ये। क्या नाम उज्मा है? अच्छा आप तो आप तू बोल, नॉट एवरीवन। ओ उज्मा, आज आप तू बोल इधर। अब ये इधर गूगल से निकाल, गूगल से नहीं निकालेगा। अच्छा अच्छा, चलो चलो सुनाए। अच्छा बताओ, बोलो ना, अपनी देखिएगा ना, जो मैंने लिखी है खुद, इधर से देख। अच्छा जब तक ये गूगल, जब तक ये गूगल पे निकालेगा तब तक दूसरा शेयर फाड़ दो इसको। चलो नहीं नहीं नहीं, पहले इसको। अच्छा मैं बोलता हूँ, मैं बोलूँ। आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, मारेंगे जैशु की ही जेल क्यों ना हो जाए। जान मेरी, मेरे को कॉल आ रहा है, एक मिनट। ओके ओके ओके, कैसा शेयर लगा आपको? बोलो, इसने बोला ना, ये बोलेगा ना यार, ये क्या बोलेगा, इसने बोला तो। चलो अगर तुझे पाने की राह में कहीं दम, सबक थोड़ी सुनाना है पाने की राह में कहीं दम तोड़ दूं, अगर तुझे पाने की राह में कभी दम तोड़ दूं, कहीं दम तोड़ दूं, तो मेरी मैयत पर आना जरूर, तो मेरी मैयत पर आना जरूर, क्या मुझे अपने सीने से लगाना जरूर, के चूमना जरूर, चूमना। अच्छा चूमना जरूर, अगर कोई पूछे, अगर कोई पूछे हमारे रिश्ते के बारे, हमारे रिश्ते के बारे में, मुझे अपना आशिक बताना, मुझे आशिक। ओ कितना खुदूश है इसका शेर। अच्छा अच्छा इधर आओ, इधर आओ, मैं शेर सुनाऊंगा, एक शेर है खतरनाक वाला, बैठो इधर। शायद इधर आओ ना यार, कहाँ चले गए तुम लोग, इधर आओ। अब ये शेर, अब मैं सुनूंगा, मेरे शेर ही कुछ अलग होते हैं, बैठ नीचे, वो हराम ही बैठ। अच्छा मैं तुम्हें एक शेर सुनाने वाला हूँ, ठीक है, इजाजत है तो। ओ बैठेगा नीचे, नहीं बैठेगा बैठ। तो इधर सुनो भाई, दोनों सुनो, दोनों सुनो। एक रात की बात थी, क्या एक रात की बात थी, वो मेरे साथ थी, मैं उसके ऊपर था, वो मेरे नीचे थी, समझे तुम। हाँ। एक रात ही बात थी, वो मेरे साथ थी, मैं उसके ऊपर था, वो मेरे नीचे थी, क्या समझे तुम लोग। अरे गलत मत समझो, वो मेरी बाइक थी। कुछ समझ नहीं आया, इनके शेर सैड है। चलो, हर याद में उसकी याद बसी है। अच्छा हर याद में उसकी याद बसी है,
को दिल से कैसे निकालूं यारो, क्या बात है। मैं आई डोंट लाइक दिस मैन। अच्छा आई डोंट लाइक दिस वन सवाल मत बोलना। अब जॉन मी आई आल्सो डोंट लाइक कॉपी कर रहा यार। ये अच्छा नहीं, ये रोली है, ये चीटिंग है। अगर ये कहीं पे निकली ना तुझे। अच्छा आप सुनाओ उसको ना, ऐसा सुनाओ कि ये उस्मा का चक्कर ही छोड़ दे। इनसे पांच स्नैपर्स मेरे कब्र पे आना, मेरे कब्र पे आना। दो फूल साथ लाना। आंसू अगर ना आए। थोड़ा सा ये होता है शेर, शेर उस शायरी जिसे कहते हैं। एक मिर्जा गालिब का लकब है इसमें, समझा? तेरे में ना लकब है ना नकब है। तो अच्छा कुछ और है आपके उसमें, है बोलो ना। कोई रुला के रोया। हमें रुलाने वाला। अच्छा और हमें रुला के रोया। मरने का मजा तो तब है यारो जब कातिल भी कृष्णा, जब कातिल भी एक गानू गानू जब कातिल भी जिनाजे पे आके रोया, जब कातिल भी जिनाजे पे आके। ओ ये इसमें दम था, इसमें ये मत। हां जब बोलो इन्हें इनसे सीएम करते हैं जिनको कहने से नहीं कर सीए का या वो चाहिए इनका जिस ने इनकी बाजे तो स्नेह बने ने और चेचित बने हमें चोर बस मानने और सब कहने से यो इससे दम कर सी। मैं कोई दस हो यो, आई डोंट लाइक दिस मैन। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरे बातों का जवाब। कौन सा जवाब दे, इधर कोई ऐसा शेर ही नहीं मिला हमें जिसका जवाब दे। मैं कहा वो बोल। अच्छा बोल रहे हो ना, कुछ बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ। अच्छा इसे खुद ही बोला, कॉपीराइट पड़ेगा। कॉपीराइट किसको पड़ेगा, इसको क्यों मुझे बता? अच्छा वो इसको बता दे, कौन सा वो है वो दरिया बीच कौन सा है इसको बताओ। इसने देख सपने में भी नहीं देखा होगा। अरेबियन सी। अरेबियन सी गया कभी भाई? उधर गया है समझा, इधर अरेबियन सी। भाई ने अभी रशियन, भाई ने अभी रशियन के साथ मुझे फोटो दिखाया। भाई तुझे लग रहा होगा ये आम इंसान मतलब ऐसे ही कुछ ये काम हो कर रशियन के साथ फोटो दिखा रहा है मुझे अभी, कसम से बता रहा हूँ। अब वो इसने एक प्राइवेसी दिखाई मैंने, अब मैं दिखाऊंगा नहीं, तुम लोगों को चूल मची होगी, पर हाँ मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि ये बंदे के पास रशियन मतलब बंदा जब भी जाता है बाहर जाता रहता है रशियन जरूर लाता है। आपने देखी है कभी? है उतना विस्तार तो मत कर यार। क्या